स्प्राउट्स की चार तो सभी खाना पसंद करते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, हेल्दी होते हैं। लेकिन आज आपके लिए चार्ट नहीं लेकर आए, मूंग दाल स्प्राउट्स बनाने का तरीका भी, इसकी चार्ट भी और इसका थेपला भी हम पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ डिफरेंट आपके लिए लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इसमें आलू टेस्ट पे, जहाँ पर आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही अमेजिंग सी स्प्राउट्स की सब्जी की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए लिया है हमने एक बड़ा बाउल स्प्राउट्स। यहाँ पे हमने स्प्राउट्स बनाने की रेसिपी पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं, उसका लिंक हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। हमारी आज की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने स्प्राउट्स को करा है स्टीम। आप चाहें तो इन्हें कुकर में डाल के हल्का सा नमक और हल्दी डाल के, जैसे कि हम नॉर्मल दाल को बॉईल करते हैं, ऐसे ही एक से दो विसिल भी ले सकते हैं। लेकिन हम गैस पे चढ़ा रहे हैं पैन, जिसमें हमने थोड़ा सा पानी लिया है, पैन के ऊपर रखेंगे छन्नी, छन्नी में डालेंगे हमारे सारे ही स्प्राउट्स। इस स्टेप को करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो सारे ही मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। पूरे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर से ढक के रख देंगे हम कुक होने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे ले रहे हैं दो प्याज, दो टमाटर, दो यहाँ पे हमने लिए हैं उबले हुए आलू और एक यहाँ पे ली है हरी मिर्च। प्याज और टमाटर दोनों को ही हमने अच्छे से साफ करके इन्हें बारीक चॉप कर लेना है, साथ ही हमने हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लेना है और आलू को हमने कर लेना है ग्रेट। उबले हुए आलू ऐड करने से हमारी ग्रेवी में टेस्ट भी आएगा, साथ ही साथ थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे कच्चे आलू का यूज़ भी कर सकते हैं, उसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं, बस गैस चढ़ा रहे हैं पैन, पैन में डाल रहे हैं ऑयल। यहाँ पे हमने ऑयल की मात्रा हल्की सी ज़्यादा ली है, करीब 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल यहाँ पे हमने ऐड किया है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ऐड कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा तो यहाँ पे हम बारीक चॉप करी हुई प्याज को ऐड कर देंगे। यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे कहा था, दो प्याज ली हैं हमने, ना ही ज़्यादा बड़ी थी ना ही ज़्यादा छोटी थी, मीडियम साइज़ की दो प्याज यहाँ पे हमने चॉप करके कर दी हैं ऐड। अच्छा गोल्डन पिंक होने तक हमने इन्हें सोटे करना है। जैसे ही हमारी अच्छी गोल्डन पिंक हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे करीब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन को भी बारीक चॉप करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गैस हमारी स्लो टू मीडियम फ्लेम पर है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमने हमारी प्याज को सोटे कर रहे हैं और बस स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसे अच्छे से गोल्डन होने देना है। और जैसे ही हमारी प्याज अच्छी गोल्डन हो जाएगी, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी प्याज अच्छी गोल्डन पिंक हो गई है, तो यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं हम थोड़े से सूखे मसाले। 1 चम्मच भर के यहाँ पे हम ले रहे हैं किचन किंग। इसके साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारे और मसाले। 1/2 चम्मच भर के यहाँ पे हमने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे हम ले रहे हैं धनिया पाउडर, साथ में यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/2 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ का पाउडर और इसके साथ ही यहाँ पे हमने लिया है 1/4 चम्मच हींग। और बस सारे ही मसालों को हमने प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए सोटे कर लेना है करीब 30 से 40 सेकंड के लिए, जिससे कि मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन जाएं और थोड़ा सा तेल रिलीज़ कर दें। इतने हमने इसे सोटे कर लेना है। गैस बता दें आपको कि अभी भी हमारी स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही है और बस अच्छे से, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हमारे मसालों को भून लिया है। यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारे दो आलू। हमने यहाँ पे दो छोटे साइज़ के आलू लिए थे उबले हुए, उन्हें हमने ग्रेट कर लिया और यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगेन आपको बताना चाहेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे कच्चे आलू का यूज़ भी कर सकते हैं या आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। और बस आलू को भी बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर देना है इस मसाले के साथ। और बस अच्छे से मिक्स करते हुए आलू को भी हमने बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से हमने आलू को मिक्स कर दिया है सारे मसालों के साथ। और जैसे ही हमारा आलू अच्छे से भून जाएगा, साइड्स में तेल नज़र आने लगेगा, तभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारे दो टमाटर, जिन्हें हमने बारीक चॉप करके रख लिया है। उन्हें हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। आप चाहें तो मिक्सी जार में उन्हें दरदरा भी पीस सकते हैं। हमने उन्हें चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है, तो दोनों ही टमाटर को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। टमाटर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए हमने भून लेना है, जब तक कि साइड्स में से तेल नज़र नहीं आने लग जाए। समय देते हुए पेशेंस के साथ जितने अच्छे से इस मसाले को आप अभी भून लेंगे, बाद में उतना ही अच्छा फ्लेवर हमारी सब्ज़ी में आएगा। तो बिल्कुल अच्छे से हमने हमारे इस मसाले को भून लिया है। इसका कलर, उसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं साइड्स में से अच्छे से तेल भी नज़र आ रहा है। और बस इस लेवल पे गैस की फ्लेम को करेंगे बिल्कुल स्लो पर और यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं पानी। पानी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 ग्लास भर के पानी ऐड किया है। आपको सब्ज़ी में कितनी ग्रेवी रखनी है, उसके अकॉर्डिंग पानी को थोड़ा सा कम और ज़्यादा किया जा सकता है।
यहाँ पे हमने 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है सारे ही मसाले के साथ। और बस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच भर के नमक। नमक आपको अपने टेस्ट और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करना है। हमने ऐड किया है पूरा 1 चम्मच नमक। साथ में ही यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच चीनी। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हल्की सी चीनी का हमारी सब्जी में। और इसके साथ ही यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं 1/2 चम्मच करीब गरम मसाला। और बस चलाते हुए इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को भी हमने मिक्स कर देना है हमारे इस ग्रेवी में। और हमने इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देना है। और जैसे ही हमारा इसमें बॉईल आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ गया है, हम ऐड कर देंगे हमारे स्प्राउट्स जो हमने 10 मिनट के लिए स्टीम करे थे। आप चाहें तो यहाँ पे इन्हें डायरेक्ट डाल के भी कुक कर सकते हैं, लेकिन स्टीम करने से आप देख सकते हैं थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इससे ये मसाला बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए इन्हें पहले से स्टीम कर लेना चाहिए या पहले इनमें 1 से 2 विसिल ले लेनी चाहिए कुकर में डाल के। उसके बाद अगर इस तरह से इन्हें ग्रेवी में डाल के तड़का लगाया जाएगा तो बहुत अच्छे से सारा मसाला एब्जॉर्ब करेंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। स्प्राउट्स डाल के अच्छे से मिला दिया है और बस इसे पूरे 10 मिनट के लिए हमने स्लो फ्लेम पे ढक के रख देना है। और पूरे 10 मिनट बाद आप खुद देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी आपकी बनकर तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ना ही तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना ही बहुत ज़्यादा पतली है, बिल्कुल प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ हमारी ये सब्जी बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। बस यहाँ पे गैस की फ्लेम को करेंगे बंद। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मूंग दाल स्प्राउट्स हमारे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। वैसे तो ये हमारे 80% तभी सॉफ्ट हो गए थे जब हमने इन्हें 10 मिनट के लिए स्टीम करा था। बचे हुए ये 10 मिनट यहाँ पे बॉईल करने में हो गए हैं। और बस यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद करते हुए ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हमारी आज की सब्जी को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हमने इसे बिल्कुल अनोखे तरीके से सर्व करा है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मिला दिया है हमारे हरे धनिए को और बस चलेंगे इसे सर्व करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे हम इसे निकालने जा रहे हैं एक सर्विंग बाउल में। आपके घर में कोई स्प्राउट्स खाना ना पसंद करता हो तो आप सब्जी के बहाने उन्हें स्प्राउट्स खिला सकते हैं, कोई नहीं जान पाएगा कि सब्जी ये स्प्राउट्स की है। तो फ्रेंड्स हमने निकाल ली है हमारी स्प्राउट्स की सब्जी एक मिक्सिंग बाउल में। और बस यहाँ पे अब सर्व करने के लिए हम ऐड कर रहे हैं बिल्कुल बारीक चॉप करी हुई अनियन। इस तरह से कच्ची अनियन डाल के इसे सर्व करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। साथ में ही यहाँ पे ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और उसके साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बूंदी। और बूंदी डालने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक वाली जो भुजिया आती है, बिल्कुल बारीक वाली जो नमकीन होती है, उसे भी यहाँ पे हम थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। इस सब चीज़ों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपकी सब्जी में आ जाएगा। आप इसे रोटी पराठे पूरी हो या ब्रेड और पाव हो किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप इसे एक कटोरी भर के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग स्वाद के साथ बहुत ही टेस्टी आपकी स्प्राउट्स की सब्जी बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को हमारे तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।